अपना कीमती समय निकाल करके भंते जी यहाँ आए और आज माता रमाई की पुतला का स्थापना किया गया और इस अवसर पर भंते जी का आगमन हुआ, तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग भंते जी से धर्म प्रवचन थोड़ा सुने और भंते जी को श्रद्धांजलि करें और माता रमाई से प्रतिमा अनावरण के शुभ अवसर पर आप लोग पुण्य कर्म करें। और ये कर्म ऐसा कर्म है कि मनुष्य को हमेशा सुखी बनाता है, तो ऐसे कर्मों के लिए हमें भिक्षुओं को हमेशा समय समय पर बुलाना चाहिए, धर्म प्रचार सुनना चाहिए और धर्मदान करके अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। मैं अपने जीवन को ध्यान रखता जैसे निवेदन करता हूँ कि धर्म देश का देश बहुत बहुत साधुवाद। तथागत भगवान बुद्ध को नमन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया, कृतज्ञता विश्व संघ का हमें दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय भंतेगण, सब ब्रह्मचारी सामने, श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और धर्म बंधु, आज माता रमाई की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर हुई है, तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। बाबा साहब की मूर्तियाँ तो लग जाती है लेकिन रमाई की मूर्ति नहीं शुरू हुई है, बहुत अच्छी है, क्योंकि माता रमाई जो है हम उसने एक तरह से त्याग की मूर्ति कह सकते हैं। उन्होंने अगर त्याग किया नहीं होता तो बाबा साहब इतना काम किए नहीं होते, है ना। वो आज के देखो, अगर कोई उनके पति कोई समाज सेवा करते हैं तो पत्नियां कितने उनका साथ देती हैं, वो तो उनको डांटते हैं कि क्या कर रहे हो, अच्छा काम किए हैं, उनके पीछे किसी न किसी औरत का हाथ रहता है, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, कोई ना कोई रहता है, लेकिन ये स्क्रीन के पीछे वाला दृश्य है। तो इसलिए स्त्रियों का या हम जिसे कहते उपासिकाओं का जब तक साथ नहीं रहता तो उपासक लोग भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो घर में भी देख लीजिए, अगर उपासिका घर की जिम्मेदारी ना उठाए तो उपासक क्या करेंगे, वो तो केवल कमा के ला के दे सकते हैं लेकिन उसे कैसे उस पैसे का सदुपयोग करना, कम से कम पैसे में कैसे घर चलाना, उसमें से कैसे बचत करना, बच्चों को भी कहते हैं रीति रिवाज सिखाना, ये सब क्या है, ये उपासिकाओं की जिम्मेदारी है। और माता रमाई की अगर हम कहानी सुनते, अभी तो समय नहीं है, हमको भी जाना है और बहुत कुछ यहाँ पर शोर हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने जितने भी तकलीफें आई उन्होंने कभी बाबा साहब को बताकर उनको निराश या उनसे रुकावट बनने की कोशिश नहीं की। हमको तो सुनने को मिलता है कि वो एकदम अंधेरे में फटी हुई साड़ी लेकर ऊपर सुनकर वो गोबर के क्या कहते हो जो जलाने के लिए वो बनाकर वो बेचकर अपना पैसे जो कमी थी वो चलाती थी। यानी कितना त्याग है, एक शिकायत नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाला, तब जाकर बाबा साहब है ना विदेशों में जाकर पढ़ पाए। और बाबा साहब ने ये सब काम किया है शादी के बाद किया है, आजकल के बैचलर रह के भी नहीं कर पाते। तो शादी करने के बावजूद भी बाबा साहब ने इतनी विद्या हासिल की, देश विदेश गया, समाज के लिए काम किया, तो इसमें माता रमाई का बहुत बड़ा त्याग है। अगर माता रमाई का त्याग नहीं होता तो बाबा साहब नहीं होते, आज हम उनको इतनी पहचान कर उनका आदर कर नहीं होते। इसलिए एक मायने में जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जितना आदर करते हैं उतना ही रमाई का भी आदर करना चाहिए। उपासकों ने भी दिया है लेकिन ज़्यादातर उपासिकाओं का उसका रोग है, चाहे विशाखा ले लो, आम्रपाली ले लो और भी बहुत सारे, तो उनका योगदान तभी भी था। आज भी जब हम देखते हैं बिहारों में तो ज़्यादा से ज़्यादा उपासिकाएँ रहती है, वही बिहारों को चलाती है, पुरुष का खाली बाहर से योगदान रहता है, तो ये तब से चला रहे हैं उसके ज़माने से आज तक। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का हो, उसको बनाए रखना का हो, बिहारों का देखभाल रख रखाव का हो, ये सब उपासिकाओं ने तभी भी किया था, आज भी कर रहे हैं। इसलिए उपासकों के साथ साथ उपासिकाओं का भी अपना एक महत्व है। और हम तो समझते हैं कि
जितने भी विहार रहे वो सब उपासिकाओं के हाथ में दे देना चाहिए, तब विहार साफ सुथरा भी रहेगा, अच्छी तरह से कार्यक्रम है। ये उपासकों के हाथ में रहकर विहारों का माहौल पूरा खराब हो गया है। जो है सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की लड़ाइयाँ होती है, ताले लग जाते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन अगर उपासिकाएं अगर हाथ में लेते हैं तो ये सब नहीं होता। वो लोग बच्चों की भी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, बिहार के भी साफ सुथरा अच्छी देखभाल करते हैं, और वो जब जाकर अगर चंदा भी मांगे तो लोग देने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि माता रमाई का उदाहरण लेकर जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब के मिशन को सफल बनाने में सहयोग किया, आज की उपासिकाओं का भी उतना ही महत्व है कि वो जो हमारे बिहार जो बंद पड़े हुए हैं या जो ठीक से नहीं चल रहे, ये अगर उपासिकाएं हाथ में ले लें तो हमारे बिहार की जो संस्कृति है, बिहार के जो केंद्र है, वो भी फिर से क्या कहते हैं एक्टिव हो जाएंगे और बहुत जो धर्म का प्रचार प्रसार है वो भी तब से हो पाएगा। तो इसलिए आज रामायण को कृतज्ञता करना ही करना है कि उनके निमित्त से आज सारे उपासिकाओं को भी कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार की आधी जिम्मेदारी या मैं कहता हूँ आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी उपासिकाएँ निभाते रही हैं और आज भी निभा रही है, और अभी देखने हैं तो आज उपासिका ही है, कोई उपासक दिख रहा है क्या? तो हर बिहार की हालत यही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उपासिकाओं को ज़्यादा बौद्ध धर्म समझ में आता है या फिर और क्या कारण है, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं, लेकिन अपने उपासकों का उतना रुझाव नहीं रहता। और एक भी कारण सुनने को मिला है कि हम देखते हैं जब बिहारों में जाते हैं तो उपासक लोग बाहर बेंचों में बैठ के रहते हैं, तो हमने एक बार पूछा कि क्यों वो लोग अंदर क्यों नहीं आते हैं, तो एक ने चुप कर आकर बड़ा नए बंदे जी वो लोग सब गुटखा खाते हैं सिगरेट पीते हैं, तो उनके मन में इच्छा कहते हैं इसलिए वो अंदर नहीं आते, वो बाहर ही बैठे रहते हैं। तो नशा पता का भी एक कारण हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन अब आप उपासिकाओं के हाथ में हैं कि ये जो बच्चे हैं है ना उनके ऊपर संस्कार डालना, लड़कों को भी बचपन से अगर वो डालेंगे और ये नशा पता गुटखा खनी सिगरेट उनसे अगर आप अपने लड़कों को बचा के रखें तो आगे उनका खुद का भविष्य भी ठीक होगा और हमारा बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है और बौद्ध धर्म में पुरुषों का आना भी है ना उपासकों का आना भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आज रामायण की स्थापना और बाबा साहब की जयंती भी आनी है और महात्मा फुले की जयंती कल मनी, उसके पहले 9 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती मनी, तो अप्रैल का जो महीना है हमारे पूरे बहुजन महापुरुषों का महीना है ऐसा लगता है। अप्रैल से लेकर मई तक पूरे बहुजन महापुरुषों का ही मेला लगता है, तो इसलिए आप सब बड़े बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं और उसी बहाने आप शील लिए होंगे है ना, ध्यान से प्रवचन सुना और इतने पुण्य कार्य कर रहे हैं, हमेशा कोई पुण्य कार्य में लगे रहते हैं, तो इस तरह से आज वर्तमान का अतीत में जो कोई भी पुण्य आपने कमाया है वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो, ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सर्व मंगलम। दानं ददन्तु सद्धाय सीलं रक्षन्तु सपदा भावना विरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता अभिवादन सीलिस निच्छन वड्ढापचायिनो चत्तारो धम्म वड्ढति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेवच अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीक्षतु।